हमारा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं बना रही हूँ फिश पुलाव। और फिश पुलाव के लिए सबसे पहले ले लिए फिश, और फिश को मैंने अच्छे से धो के रखा है, और इसमें फिर लीमू और ब्लैक पेपर डालकर 15 मिनट के लिए रख दिया। ब्लैक पेपर डालकर हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा, एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैं ऑयल डालूंगी और ऑयल के साथ ही मछली फ्राई कर लूँगी। अच्छा, हमने जो है वो ऑयल डाला, ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे हमारे जो पीसेस हैं वो फ्राई। अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम फिश डालेंगे। अच्छा, फिश को हम धोएंगे नहीं, जो लेमन और ब्लैक पेपर डाल कर रखा था एज इट इज ऐसे ही डाल देंगे। अब हल्के हल्के से मछली फ्राई होने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे, एक बर्तन लेंगे और उसमें जो ऑयल, फिश ऑयल हमारे पास जिसमें फिश फ्राई की थी, ऑयल डाल देंगे और थोड़ा सा मज़ीद और ऑयल डाल देंगे। इसके बाद मिक्स गरम मसाले जो हमने लिए हैं डाल, फिर हम प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सा रेड होने तक पकाएंगे। अच्छा, प्याज ने कलर चेंज किया है, तो उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है, और धनिया पाउडर। जैसे ही हमारा मसाला भून जाए तो हम इसमें जो फिश हमने फ्राई की थी वो डाल देंगे। अच्छा, हमने इस मसाले में नमक इसलिए नहीं डाला तो फिश में ऑलरेडी नमक लगा। अच्छा, फिश अब इसमें पक चुकी है, हम फिश को इस बर्तन में निकाल लेंगे। जो फिश हमने निकाल दी, इसके बाद हमारे पास हमने आलू बॉइल किए थे, हम ये आलू डाल देंगे। कटे हुए टमाटर डाल देंगे, क्योंकि अब हम पुलाव बना रहे हैं। जो पीस हमने फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। मसाले को अच्छे से भूनने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें धनिया, पुदीना, करी पत्ता और साबुत हरी मिर्ची डाल देंगे और फिर से इसे भूनेंगे। हमें इसे अच्छे से भूनना है 5 से 7 मिनट तक। और हम सॉल्ट डाल देंगे। चावलों के लिए पानी डालने के बाद, हम इसमें जोश आने के बाद चावल, पानी जोश आ चुका है तो हम चावल ऐड कर देंगे इसमें। तो काफ़ी लोग रेड मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने इसमें ग्रीन मिर्च का इस्तेमाल किया। चावल ऐड करने के बाद हम 1/2 लेमन जूस यूज़ करेंगे। अच्छा, चावल हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, अब इस पर हम जो पीसेस हमने फ्राई किए थे वो रख देंगे। हमारा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है, अब जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।